तो गाइस फाइनली अपने फ्री फायर में न्यू फेडरल आ चुका है, जिसमें आप सभी लोगों को एक लेजेंडरी बंडल मिलने वाला है, जिस बंडल का नाम है क्रिमसन क्रिमिनल बंडल। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले वन स्पिन ट्रिक के बारे में। अगर गाइस आप सभी लोग इस वीडियो को छोड़ के चले जाते हो तो वन स्पिन ट्रिक में नहीं मिलने वाला है आप लोगों को, पूरा का पूरा पछतावा होगा बाद में, मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देख सकते हो यहां पे आप सभी लोगों को यह वाला इमोट देखने को मिल जाएगा इस फेडरल के अंदर। एंड गाइस उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को यह वाला बंडल बहुत ही रेयर है गाइस, बहुत ही रेयर है, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो गाइस वन स्पिन ट्रिक के बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी लोगों को छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं। तो यह पुराना फेडरल है एंड इसमें मैंने वन स्पिन ट्रिक अप्लाई किया था, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो मेरे को 9 डायमंड में तो नहीं मिला, बट गाइस यहां पे जो इमोट है ना मेरे को 19 डायमंड में मिल चुका है फाइनली, जैसा कि देख सकते हो। तो गाइस इसलिए मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को छोड़ के मत जाओ, वन स्पिन ट्रिक 100% काम करता है, आप लोग को भी निकल सकता है। तो वीडियो में बन रही है, तो गाइस देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मैं इस इवेंट में एक भी डायमंड अभी नहीं लगाने वाला हूं, बस वन स्पिन ट्रिक के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आप लोगों को वन स्पिन ट्रिक के बारे में जानना है तो वीडियो में बन रही है, वरना वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। तो चलिए गाइस वन स्पिन ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस वन स्पिन ट्रिक के बारे में बात करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हाँ छोटू का रिक्वेस्ट है गाइस, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लो गाइस। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज दोस्तों, हाँ छोटू का रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले आप से लोगों को डीजे कलू एडम को ले लेना है एंड कपड़ा इसका इस प्रकार से इमोट पे जाना है, इमोट को अनइक्विप कर देना है जैसे कि मैंने किया। आप लोगों को गन सेक्शन में आना है, पूरा का पूरा गन को अनइक्विप कर देना है, सेटिंग ऑप्शन पे आना है एंड यहाँ पे आपको क्लियर देखने को मिल जाएगा, क्लियर कैश सॉरी, तो यहाँ पे क्लियर कैश कर देना है, अपलोडर क्लिक कर देना है एंड हाइड पर क्लिक कर देना है। तो तीनों काम यहाँ से मैं कर देता हूँ एक ही करके, आप लोगों को याद रहे कि हाइड पर क्लिक करना है तो करना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद आप सभी लोगों को सिंपली अपने लक राल के अंदर आ जाना है एंड यहाँ पे गाइस आप सभी लोगों को स्पिन करना है गोल्ड वाले में। अगर आप लोगों के पास गोल्ड कॉइन है तो 10+1 का स्पिन करो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक स्पिन कर दो, ठीक है। देन गाइस दोस्तों आप सभी लोगों को क्या करना है, अपने फेडरल के अंदर आ जाना, और गाइस यहाँ पे याद रखना आप सभी लोगों को, अगर आप लोगों को मान लो कि कोई सर्फ बोर्ड अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग यहाँ पे एक रेयर आइटम को रिमूव कर देना है, सर्फ बोर्ड बैकपैक कुछ भी मतलब जो होता है ना उसको रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे मैंने 2 आइटम को रिमूव कर दिया, उसके बाद से जैसे आप सभी लोग फ्री का स्पिन करोगे तो नहीं निकलेगा। और गाइस मैं आपको बता दूं, स्पिन करने से पहले आप लोग बंडल पे बार बार टैप करना, बंडल पे एंड इमोट पे, ठीक है। उसको करने के बाद आप सभी लोग जैसे ही फ्री का स्पिन करोगे तो नहीं मिलेगा, बट गाइस मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप सभी लोग 9 डायमंड का स्पिन करोगे या फिर 19 डायमंड का, तो दोनों में से कोई एक कन्फर्म है कि आप लोगों का परमानेंट निकलेगा बंडल नहीं तो इमोट, फिक्स है गाइस, ठीक है ना, इस ट्रिक का यूज करोगे तो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे तो नहीं निकला एंड चलिए अभी हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल कितने डायमंड लगने वाले हैं। तो गाइस इसके बाद से यहाँ पे 9 डायमंड आ जाएगा, 9 के बाद गाइस चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 9 के बाद आप सभी लोगों को 19 के बाद 39 के बाद आप सभी लोगों को 69 का स्पिन हो जाएगा, तो यहाँ पे 69, उसके बाद से 99 एंड 99 के बाद गाइस आप सभी लोगों को जो 2 स्पिन बच जाएगा तो उसके पहले 199 यानी कि 199 एंड लास्ट वाला 499 डायमंड लगने वाले हैं। यानी कि गाइस इस इवेंट में टोटल आप सभी लोगों को 1000 के करीब में डायमंड लगने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो ऐसे मैं वीडियो बनाते रहता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय।